अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि सभी अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ फिर से एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करूंगी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। इसको आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं कि इसे किस तरह से बनाएंगे। इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, लेडीज हो जेंट्स हो, किसी भी प्रोजेक्ट में ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये देखिए फ्रेंड, इसमें मैंने कुछ फंदा डाल के दो सिलाई बना लिया है। अब चलिए हम डिजाइन स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक फंदा उल्टा, फंदा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर इस तरह से हम जाली देते हुए दो फंदा को एक साथ बंद कर देंगे ऐसे। इसके बाद एक फंदा बीच में बना लेंगे, फिर दो फंदा को एक साथ बंद करेंगे, फिर जाली देते हुए एक फंदा सीधा बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, फंदा आप गिनिएगा, ये मेरा एक्स्ट्रा वाला फंदा है, 3, 6, 7, यानी कि ये डिजाइन मेरा 7 फंदा का है। फंदा अपनी साइड करके अब हम उल्टा बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 फंदा उल्टा, फिर फंदा पीछे करके हम फिर से ये वाला डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर हम वो डिजाइन अभी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये छोटा सा हम आपको बता रहे हैं। एक साइड हम वो डिजाइन दे दिए हैं, बीच में दूसरा डिजाइन है। अब यहाँ पर ये दोनों फंदा को हम सीधा बना देते हैं। आप अगर किसी भी प्रोजेक्ट में ये डिजाइन डालें, तो जो डिजाइन यहाँ पर पड़ा है वही डिजाइन इसके बाद इसके साइड में पड़ेगा, जैसे यहाँ पर है ये, पहले ये, फिर ये, फिर ये। तो आ जाते हैं हम उल्टा साइड में, और ये डिजाइन आपको दोनों साइड से देखना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा, दो सिलाई फंदा उल्टा, फिर फंदा पीछे करेंगे, एक फंदा हम सीधा पहले बना लेंगे, फिर दूसरा फंदा सीधा के जैसा हम इसमें सिलाई डालेंगे। ध्यान से देखिएगा, सीधा के जैसा सिलाई डालें, और फंदा हम इस तरह से हम इसमें डालेंगे और गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये रहा 10। 10 फंदा इसमें लपेट देने के बाद हम यहाँ पर रुक जाएंगे, और ऐसे हम इसमें लपेट देंगे एक बार में। थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरह से करना, लेकिन कोशिश तो करना चाहिए। हो गया एक बार में ये कंप्लीट, एक बार में नहीं हुआ तो दोबारा भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। इस तरह से हम इसको खींच लेंगे। अब हमें इसे ऐसे खोल लेंगे, ध्यान से देखिएगा, इस तरह से इसे हम खोल करके ये वाला जो फंदा है इसको हम खींचेंगे हल्के हाथ से, ज़्यादा हम कसेंगे नहीं, नहीं तो बिल्कुल ये कसा जाएगा तो ठीक नहीं लगेगा। अब इतना पर हम फिर से रुक जाएंगे, फिर इसे खोलेंगे ऐसे करके, और अभी भी बिल्कुल हल्के हाथ से ही खींचेंगे, ताकि ये ज़्यादा कसाए नहीं। ऐसे थोड़ा सा ये फूला फूला हुआ रहता है, तब जा करके इसका रिंग बनता है ज़्यादा खूबसूरत। तो इसी तरह आप रखें, इसको भी खींचेंगे तो ये और खींचाएगा, बिल्कुल इसमें मिल जाएगा, इसलिए इसे अब खींचना नहीं है। अब यहाँ पर हम जो सीधा फंदा हमें दिख रहा है, हम टोटल सीधा फंदा बनाएंगे। ये देखिए, मेरा इस तरह से खूबसूरत सा एक रिंग बन गया है। अब यहाँ पर एक फंदा सीधा था, दूसरा फंदा में रिंग बनाए, तीसरा फंदा में रिंग को मिला दिए, चौथा फंदा, 5, 6, 7, 8, 9, ये रहा 10। 10 फंदा सीधा, फंदा अपनी साइड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये एक्स्ट्रा वाला है 8। आ जाते हैं हम
फिर से सीधी सिलाई में। सीधी सिलाई में हम एक्स्ट्रा वाला फंदा जैसे बनाते थे वैसे बनाएंगे, फिर ये फंदा बना लेंगे एक सीधा, ये जाली वाला फंदा है इसे भी बना लेंगे। फिर इस तरह से हम जाली देते हुए इसको इस तरह से स्लिप कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये फंदा को हमें स्लिप कर लेना है हर हालत में, और उसके बाद ये दोनों फंदा को इस तरह से बनाना है। इस तरह से ये दोनों फंदा को बनाकर इसके ऊपर से स्किप कर देना है, और फिर से हम जाली देते हुए ये दोनों फंदा को सीधा बना लेंगे। अब उल्टा में हम टोटल फंदा को उल्टा बना लेंगे, जहाँ पर मेरा उल्टा आ रहा है वहाँ पर। इस डिजाइन में जहाँ पर उल्टा आएगा यानी कि जहाँ पर ये रिंग बनेगा, हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ उल्टा बनाते हुए जाना है। ये देखिए इस तरह से इसे भी हम बना लेंगे ऐसे करके, और ये लास्ट वाला दो फंदा है इसको हम सीधा बना लेंगे। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा रिंग बन गया। फिर आ जाते हैं हम उल्टा साइड में। ये दोनों फंदा मेरा एक्स्ट्रा वाला है, तो इसको हम जैसे बनाते हैं उसी तरह से हम पहले बना लेंगे, फिर फंदा पीछे करेंगे। पहली बार एक फंदा बनाए थे सीधा, अब दूसरा फंदा बना लेंगे सीधा, और तीसरा में हम फिर से वो रिंग बनाएंगे ऐसे करके, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। दस फंदा लपेटने के बाद हम इस तरह से फंदा को एक सिलाई में लपेटेंगे ऐसे, और एक बार में कोशिश करेंगे कि मेरा ये सिलाई इसके बीच से निकल जाए। अगर नहीं निकला तो कोई बात नहीं, आप फिर से फंदा लपेटकर फिर से निकाल सकते हैं, और इसको फिर से इस तरह से पूरा फंदा को ऐसे खोल देंगे ऐसे, और इसको बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरह से खींचेंगे ऐसे। थोड़ा सा अब हम फिर छोड़ देंगे खींचना, और फिर से इसे हम खोल लेंगे यहाँ से, इस जगह से हम इसे इस तरह से खोलेंगे और ऐसे करके फिर से खींचेंगे हम। देखिए अब ये थोड़ा सा फूला हुआ है, इसी तरह हम इसको छोड़ेंगे और दूसरा फंदा को हम बना लेंगे। ये मेरा बहुत ही खूबसूरत सा रिंग बन गया है। अब आ जाते हैं जहाँ पर मेरा उल्टा बनना है, वहाँ पर हम उल्टा बना लेंगे। ये देखिए डिजाइन का मेरा ये एक स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरा स्टेप स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, एक फंदा एक्स्ट्रा वाला है इसको हम उल्टा बना लेते हैं, फिर एक फंदा सीधा बना लेंगे। फंदा में एक जाली देंगे एक फंदा सीधा बनाने के बाद, और इस तरह से हम दो फंदा को एक बार बंद कर देंगे। बीच वाला फंदा प्लेन बना लेंगे, फिर इस साइड भी दो फंदा को एक बार बंद कर देंगे ऐसे, और फिर से जाली देते हुए ये फंदा बना लेंगे, फिर उल्टा बनाने लगेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, अब ये मेरा रिंग वाला फंदा है, सात आठ नौ और ये दस। दस फंदा बन गया। हम दो फंदा फिर सीधा बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से बनाइए, ये रिंग तिरछा बनता जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये डिजाइन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और बना के दिखा देते हैं। ये देखिए ये दोनों फंदा एक्स्ट्रा वाला है, इसे हम इस तरह से बना लेंगे, फिर फंदा पीछे करके एक फंदा बनाएं, दूसरा फंदा बनाएं, फिर तीसरा फंदा बना लिए ऐसे। अब यहाँ पर हम फिर से इस फंदा में फिर रिंग बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, ऐसे हम फंदा डालेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस।
10 फंदा लपेटने के बाद हम फंदा को इस तरह से लपेटेंगे और कोशिश करेंगे कि मेरा फंदा एक बार में ही निकल जाए। ऐसे करके अगर एक बार में नहीं निकल रहा है तो हम दोबारा करेंगे, लेकिन करेंगे इस तरह से हम इसे खोल देंगे और फिर सेम प्रोसेस ऐसे हम खींचेंगे। और जब थोड़ा सा फिर बचेगा खींचने के लिए तो एक बार और इसे खोल देंगे ऐसे, उसके बाद फिर से खींच करके ऐसे रहने देंगे इतना तक। ध्यान से देखिए, इतना फूला हुआ हम रहने देंगे और उसके बाद इसे हम बना लेंगे ऐसे। फिर उल्टा फंदा बना लेंगे 7 फंदा का। तो फ्रेंड्स, ये डिजाइन आपको हम अभी आपको अपने प्रोजेक्ट में दिखा देते हैं कि किस तरह से आपको डिजाइन डालना है अपने प्रोजेक्ट में। यहाँ पर एक सिलाई और बना के दिखा देते हैं ये डिजाइन तक, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन आपके साथ ना हो। ये देखिए एक्स्ट्रा वाला फंदा, फिर हम 2 फंदा सीधा बना लेंगे, फिर से जाली देते हुए हम इसको इस तरह से स्लिप कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा, इस तरह से स्लिप कर लेंगे और ये दोनों फंदा को पहले ऐसे बना लेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर से इसको स्किप कर देंगे। फिर जाली देते हुए 2 फंदा सीधा बना लेंगे और बीच में ये 10 फंदा उल्टा। बहुत ही आसान ये डिजाइन है फ्रेंड्स, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। आपको बिल्कुल ही ये नया डिजाइन है, पूरे YouTube पर जल्दी आपको हिंदी में नहीं मिलेगा, तो आप ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। ये देखिए इस तरह से ये दिखने में लगेगा, बिल्कुल तिरछा ये बनता जाएगा। तो यहाँ देखिए, जैसा कि 7 फंदा का ये डिजाइन जा रहा है, ये 10 फंदा है, फिर ये 7 फंदा है, फिर ये 10 फंदा है, फिर ये 7 फंदा है, और एक्स्ट्रा में मैंने 2 फंदा इधर और 2 फंदा इधर उल्टा रखा है। तो इसी तरह आप भी अपने प्रोजेक्ट में इसे बना के ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही प्यारा लगेगा ये। तो उम्मीद करते हैं कि डिजाइन पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिएगा हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़।